अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जिस शख्स के बारे में मैं व्लॉग बना रहा हूँ भाजन, वो बहुत ही शातिर दिमाग का बंदा था। वो 20 साल तक ऐसे लोगों की आंखों में धूल डालता रहे ना, क्या कहते हैं, धूल झोंकता रहे, किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई, इवन उसकी वाइफ को भी। तो दीस्तान का ताल्लुक बेल्जियम से था। ये 20 साल तक सरहद अबूल करके रोज़ाना की बुनियाद पर जर्मनी जाता था। ये अपनी साइकिल पर सरहद अबूल करता, बॉर्डर पर बैठी फोर्सेस इसकी तलाशी लेती। स्वयं एक शॉपर के जिसमें थोड़ी सी मिट्टी होती, इसके पास कुछ भी नहीं होता था। फोर्सेस मिट्टी से भरे शॉपर को किंगालती और छोड़ देती। ये जिस रास्ते से जर्मनी दाखिल होता, वापस इसी रास्ते से नहीं आता था। इनकी वफात के बाद इनकी डायरी मिली, जिसके एक सफ़े पर ये इबारत लिखी हुई थी, मेरी बीवी भी ये बात नहीं जानती कि मैं 20 साल तक साइकिलें स्मगलिंग करता रहा हूँ। अपनी जहानत से 20 साल तक इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दिया। ये रोज़ाना नई साइकिल जर्मनी में छोड़ आता था। इस दौर में साइकिलें जर्मनी में नायाब थी, और तब शायद साइकिलें आज की गाड़ियाँ। इनका यह मकोला मशहूर है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने दुश्मन के आगे ऐसा हदफ शो करें जो आपका हदफ नहीं है। इसकी आंखों में धूल झोंक कर अपने हदफ का ताकुब करें। इस शख्स को दुनिया का जहीन तरीन स्मगलर समझा जाता है।